हेलो दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोग मोबाइल में अपने ऐप को अपने एप्लीकेशन को हाइड करते हो या सिक्योरिटी लगाते हो, ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे अपने कंप्यूटर के अंदर अपने एप्लीकेशन फाइल को अपने एप्लीकेशन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि जब भी कोई भी खोले तो वह ओपन ही ना हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैक विद तनवीर में। तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर में टिप्स एंड ट्रिक की। एक हम ऐसे ट्रिक की बात कर रहे हैं जो कि आपको किसी भी कोर्स जो भी डीसी करते हैं उसमें किसी भी कोर्स में ऐसी तकनीक या किसी भी किताब में ऐसा तरीका आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ग्रुप पॉलिसी की और ग्रुप पॉलिसी के ऊपर मैं कई वीडियोज बना चुका हूँ, आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हो। दोस्तों इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको रन कमांड पे जाना होगा, तो रन कमांड पे जाने के लिए विंडोज और आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे services.msc। इसके बाद हम इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद जैसे ही ओपन होगा, सर्विसेज हमारी ओपन होगी तो यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा एप्लीकेशन आइडेंटिटी, ये इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद इसको ऑटोमेटिक करिए और स्टार्ट करके तो इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए और फिर यहाँ से इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब हम क्या काम करेंगे, ग्रुप पॉलिसी को ओपन करेंगे। ग्रुप पॉलिसी को भी ओपन करने के लिए आपको रन कमांड पे जाना होगा, तो विंडोज आर और रन कमांड के लिए मैंने ग्रुप पॉलिसी ओपन कर लिया। इसके बाद ग्रुप पॉलिसी ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे दो चीज़ मिलेगा, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यूजर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको जाना है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल रहा है विंडोज सेटिंग, इस पर आने के बाद फिर आपको यहाँ पे मिलेगा सिक्योरिटी सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई कर मिलेगा, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सटेबल एग्जीक्यूटेबल रूल्स, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू रूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको हम डिनाई कर देंगे। डिनाई करने के बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज दे रहा है, आप जिस फाइल को जिस एप्लीकेशन को आप चाहते हो कि वो हमारा ओपन ना हो। इसके बाद प्रोग्राम फाइल पर आपको लेकर जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद हमको माइक्रोसॉफ्ट की हम कुछ फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आ गए। उसके बाद हम यहाँ से मान लीजिए एमएस वर्ड को करते हैं, तो वर्ड सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। और आप यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद चलिए अब हम ओपन करके देखते हैं। तो रन कमांड पे चलते हैं और विनवर्ड को ओपन करते हैं, जिसको मैंने ब्लॉक ओके करते हैं। यहाँ पे एरर लिखा रहा, दिस प्रोग्राम इज ब्लॉक्ड बाय द ग्रुप पॉलिसी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कॉन्टेक्ट करिए, ये ओपन नहीं होगा। अलावा जिस भी एप्लीकेशन को चाहें उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। अब बात आती है सही करने के लिए, तो जो मैंने ये ग्रुप पॉलिसी लगाई हुई है आप ऐसे ही हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, यस कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए। उसके बाद फिर से हम चलते हैं रन कमांड पे और विनवर्ड को खोलते हैं।